गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने 3.5 के 1 टू 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टेटमेंट क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days इसने food लिया है और pay क्या किया है, देखिए इसने 1000 इसने pay किया है। एक अदर स्टूडेंट है B जो 26 days food लेता है और पे करता है वो 1180 रुपीस। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पहले मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज, ये ले लेते हैं हम एक्स रुपीज है फिक्स्ड। उसके बाद इसने कहा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हम मान लेते हैं आरएस। फिक्स चार्ज जो हमने लिया है वो एक्स रुपीज है और पर डे फूड की जो कॉस्ट है वो क्या है वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में फिक्स चार्ज आपका एक्स है। देखिए इसने कितने डे फूड लिया है, 20 डेज इसने फूड को प्राप्त किया है। तो एक्स वाई को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 1 डे की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 20 डे की 20 वाई और पे किया 1000। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए आपका फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज है और इसने फूड कितने दिन लिया है 26 डे, तो 26y = 1180। आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं या तो 2 में से 1 को या 1 में से 2 को। 2 - 1 x में से x माइनस हो जाएगा कैंसिल। 26y में से 20 माइनस कीजिए 6y, 1180 में से 1000 माइनस कीजिए 180 और x y की वैल्यू आपके पास 6 डिवाइड कीजिए 30। ये आपके पास y की वैल्यू आई है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। x प्लस 20 × 30 = 1000, ये टोटल 600 को तो जाके आप माइनस कीजिए तो रिमेनिंग आपके पास 400। हेंस फिक्स्ड चार्ज क्या आया था आरएस 400 एंड क्या था ये कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो आपके पास आई है आरएस 30 रुपीज। तो पहले आप प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिंग। स्पेशली किसी मेथड का नाम देगा तो वही लगाएंगे, अदरवाइज हमें इजी जो है वो एलिमिनेशन मेथड पड़ता है तो हम एलिमिनेशन को ही यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, वो दोनों ही मेथड आपको ठीक रहेंगे, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, तो पार्ट नंबर आपका फोर्थ है। ये थोड़ा ध्यान से समझिए, ये पार्ट आपको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, आपके पास एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट होने हैं, इनका जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है। ए से बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। आगे देखिए, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार आपकी कोई ए से स्टार्ट होती है और एक कार आपकी बी पॉइंट से स्टार्ट होती है,
उसके बाद में क्या है, इफ द कार ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड दोनों में डिफरेंट, सेम डायरेक्शन में भी, ये ए से बी की तरफ भी मान लेते हैं आगे जा रही है ये सेम डायरेक्शन, और जो बी पॉइंट से चलेगी वो भी आपकी ये आगे की तरफ। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, देखिए दे मीट इन 5 आवर्स, ये अगर यहां से चलेगी कार ए से और एक बी से सेम डायरेक्शन में, तो ये अगर 5 आवर बाद वो मिल जाते हैं, मान लेते हैं वो सी पॉइंट पे मिल जाते हैं। अगर हम देखें एक कार ने कार का डिस्टेंस कवर किया ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कवर किया, और बी ने बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कवर किया है, और इन दोनों डिस्टेंस को अगर माइनस कर दें तो आपका क्या बचेगा, ये भी 100। तो आगे हम देखते क्या है, if they travel towards each other they meet in first 1 hour, what are the speed of two cars? तो एक हमारी प्लेस ए से चली थी गाड़ी और एक कार हमारी चली प्लेस बी से, तो आप पहले फर्स्ट कार की स्पीड मान लीजिए, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, लेट स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए एक्स किलोमीटर पर। जो कार हमारी प्लेस ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड हमने क्या ले ली, एक्स किलोमीटर पर, एंड स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी उसकी स्पीड हम मान लेते वाई किलोमीटर पर आवर। एक मिनट दबा दीजिए, जो कार प्लेस ए से स्टार्ट होगी उसकी स्पीड हम एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और जो कार बी प्लेस से स्टार्ट होगी उसकी स्पीड वाई किलोमीटर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो कार ए से स्टार्ट होगी वो मान लेते हैं सी पॉइंट पे मिली है, और जब सेम डायरेक्शन में से कितने आवर की, 5 आवर का। तो एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था स्पीड टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां अगर मैं बात करूं जो कार ए पॉइंट से ए प्लेस से स्टार्ट होती है वो 5 आवर चलती है, और बी वाली भी 5 आवर, क्योंकि 5 आवर आफ्टर 5 आवर दोनों मान लेते हैं सी पॉइंट पे मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, इसको ध्यान से समझिए आप फर्स्ट कंडीशन को, जो कार ए की प्लेस से चली उसकी स्पीड एक्स है, पर तो 5 आवर बाद वो मिलते सी पे, 5 आवर में ये कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो ए प्लेस से चलती है कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5x, और 5 आवर में बी प्लेस वाली कार कितना डिस्टेंस करेगी पर वाई स्पीड है तो 5y। अब देखिए ए वाई प्लेस वाली कार ने कितना डिस्टेंस लिया एसी, और बी वाई ने बीसी, तो एसी में से एसी का डिस्टेंस क्या हुआ 5x, और बीसी का डिस्टेंस क्या हुआ 5y। अगर मैं एसी में से बीसी को माइनस कर दें तो क्या रहेगा आपका ए बी, दैट इज 100, यानी माइनस इज इक्वल टू 100। ए से सी तक जाने में 5x और बी से सी तक 5y, अगर एसी में से बीसी माइनस कर दें ए भी बच जाएगा हमारा, ये हमारी कंडीशन होगी। 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब सेकेंड कंडीशन एक बार आप ध्यान से समझिए इसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन में देखिए आपके पास क्या है, मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, आपके पास एक प्लेस ए था और एक प्लेस बी, तो कार आपके डिफरेंट डायरेक्शन में चलती, ए से इधर चली और बी से प्लेस वाई से कार इधर आएगी, मान लेते दोनों इस पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये ए से यहां तक डिस्टेंस कवर किया जो ए प्लेस से चली थी, और दूसरे ने यहां तक डिस्टेंस किया, ये 1 आवर बाद मिलते हैं, तो 1 आवर में जो स्पीड ए प्लेस से चलने वाली कार थी क्या उसकी एक्स किलोमीटर, तो 1 आवर में कवर करेगी एक्स किलोमीटर, और ये कवर करेगी वाई किलोमीटर 1 आवर में, और टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा 100। अगर हम दोनों को मिला दें तो आपका क्या आएगा 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन 1 आवर पर दोनों मिलते 1 आवर में इसकी स्पीड कितनी एक्स किलोमीटर कवर करेगी और ये कवर करेगी वाई, तो अपोजिट डायरेक्शन है,
दोनों मिल जाएंगे और कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, देखिए 100 डिस्टेंस था, 100 ये डिस्टेंस कवर कर देंगे दोनों मिलके। वो अपोजिट डायरेक्शन सेम थी, तो ये आपके पास डिफरेंट आएगा 5 आर का, और ये 1 आर में डायरेक्शन अपोजिट थी, तो इसलिए आपका सम हो जाएगा। कुछ डिस्टेंस ए प्लेस वाली का कार ने किया, कुछ बी वाली, तो दोनों को मिला के आपका 100 आ जाएगा। जहां तक बात सॉल्यूशन की है, आप आराम से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आप यहां दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग 1 and 2, एक्स प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 120, x की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी, और ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हम रख देते हैं 2 में, 2 implies 60 plus y is equal to 100 और y is equal to 40, और ये क्या थी आपकी स्पीड थी कार की, hence speed of the two cars, जो A place से कार चली थी वो next thing तो 60 किलोमीटर पर आ, और दूसरी थी हमारी ये 40 किलोमीटर पर आ। इस तरह आप ये स्पीड में डिफाइन आप कर सकते हैं। एक बार और देखिए, जो सेम डायरेक्शन था, ए प्लेस से चलने वाली कार में कितना डिस्टेंस किया एसी, और बी में बीसी, एसी में से बीसी को माइनस कर देंगे तो आपका 100 इक्वल आ जाएगा, वहां डिफरेंट साइड थी तो इसमें आपने ऐड करना है। इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। तो लास्ट पार्ट हो गया इसका, फिफ्थ पार्ट, बाकी बीच के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, लास्ट फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसका। देखिए क्या द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका एरिया आप लोग सब जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मीन कम हो जाएगा कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। लेंथ को हम कम कर दें और ब्रेथ को थोड़ा बढ़ा दें, तो पहले आप इसके डायमेंशन को मान लीजिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, हमारे पास यह है स्क्वायर यूनिट्स है तो यूनिट में आप मान x यूनिट, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट। देखिए ये लेंथ हमने x ले लिया और ये y, अब आप एरिया बताइए क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया आपका होता लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x y स्क्वायर यूनिट्स, मीटर है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए, और फिलहाल इसे यूनिट दिया या कुछ भी ना दे तो आप यूनिट्स ही यूज करेंगे यहां पर। लेंथ हमने x यूनिट लिया है और ब्रेथ हमने y यूनिट्स इसका यूज किया है, तो एरिया आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करता हूं, उसको ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में इसने कहा था लेंथ है वो आपका 5 रिड्यूस हुआ है, तो न्यू लेंथ आपकी आ जाएगी x माइनस 5 यूनिट, और ब्रेथ जो है वो आपका इंक्रीज हुआ 3, तो ये आपकी आ जाएगी y प्लस 3। उस केस में आपका जो एरिया वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन न्यू लेंथ क्या है x माइनस 5 यूनिट, और ब्रेथ क्या है y प्लस 3, एरिया हमारा क्या था xy था, तो इस केस में आपका एरिया रिड्यूस हुआ है, यानी क्या हुआ है कम, तो आप xy को क्या करोगे इसको ले जाएंगे ऐड कर दीजिए प्लस 9, आपका एरिया सॉरी माइनस 3 ये रिड्यूस हो गया है, लेंथ आपने 5 रिड्यूस किए कम कर दी और ये इंक्रीज की है ब्रेथ, उसके बाद जो न्यू एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ वो इस एरिया से क्या था 9 रिड्यूस हुआ है ये वाला पार्ट, तो इसके ऊपर डायरेक्टली इसमें से आप 9 क्या कर दो माइनस कीजिए, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई प्लस 3 एक्स
माइनस फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स वाई माइनस नाइन, एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई फिफ्टीन को आप राइट में ले जाए प्लस प्लस सिक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय थ्री यूनिट, अगर लेंथ को हम थ्री यूनिट इंक्रीज कर दें यानी एक्स प्लस थ्री, एंड द ब्रेथ बाय टू यूनिट और ब्रेथ को भी टू यूनिट इंक्रीज कर दें दैट इज वाई प्लस टू, लेंथ को आप थ्री यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को हम टू यूनिट इंक्रीज कर दें तो द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब की बार हमारी लेंथ क्या है एक्स प्लस थ्री और ब्रेथ हमारी क्या है वाई प्लस टू, एक्चुअल एरिया पहले एक्स वाई था इससे इंक्रीज हो जाएगा 67 यानी 67 आप इसमें ऐड कीजिए और इसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई किए एक्स वाई टू एक्स थ्री वाई सिक्स एक्स वाई प्लस 67 ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा 2x प्लस 3y 6 उधर जाके माइनस कीजिए 61। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, या तो आप x का कोफिशिएंट सेम तैयार कीजिए y का, अगर हम इनके कोफिशिएंट देखें ऊपर कोफिशिएंट 3 है नीचे 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको 2 से और दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे माइनस, तो 1 इंटू 2 एंड माइनस 2 इंटू 3 गिव्स, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, एक बार आप यहां मल्टीप्लाई कीजिए 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस 9y और 3 से कीजिए याद रहेगा और आपने माइनस किया तो सभी साइन चेंज कीजिए नेगेटिव 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 ये आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस 19y इधर आप 12 ऐड कीजिए माइनस 171 तो y की अगर वैल्यू की हम बात करें यहाँ पे देखिए क्या है y की वैल्यू आप माइनस 19 से डिवाइड करेंगे माइनस कैंसिल हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 आपका आ जाएगा। ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए लाइक दैट हम 2 में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 2x रखिए आप 9 या 3 इंटू 9 27 27 को आप राइट में जाके माइनस कीजिए 11 में से 7 4 और ये आपके पास रहेगा 5 5 में से आप 2 को माइनस कीजिए 3 x की वैल्यू आपकी 17 आ जाएगी। तो ये x और y हमारे थे क्या, क्या चीज हमने इनको सपोज किया था वही अब हमें देखना है, ये हमने किसको सपोज किया था लेंथ एंड ब्रेथ, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या ब्रेथ देखिए आपकी क्या आ गई यहां पे 9 यूनिट्स, जो लेंथ हमने सपोज की थी एक्स वो 17 यूनिट है और ब्रेथ आपने सपोज किया था वाई को 9 यूनिट है। इस तरह आप स्टेटमेंट के क्वेश्चनों को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और फिर आप इनको सॉल्व कीजिए आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।